अस्सलाम वालेकुम, क्लास 6 का ई लर्निंग सेशन है साइंस एंड टुडे वी हैव आवर टॉपिक सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स चैप्टर नंबर 2। इसमें हम लोग डिफरेंट सेंसेस पढ़ेंगे, जिस तरह हमने साइट, टच, स्मेल और हेयरिंग ये पढ़ी थी। उसके साथ साथ हम उनके ऑर्गन्स भी डिस्कस करेंगे, टिश्यूज़ वगैरह डिस्कस करेंगे, उनकी मेन स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे और वो जो फंक्शन फॉर्म करते हैं वो वाले ऑर्गन्स जो फंक्शन करते हैं वो हम स्टडी करेंगे। टू सर्वाइव एंड बी सक्सेसफुल एनी एनिमल नीड्स टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड इट। विदाउट दिस इंफॉर्मेशन एनिमल वुड नॉट बी एबल टू फाइंड शेल्टर और फूड, फाइंड अ मेट और अवॉइड इट्स एनिमीज। दिस वाइटल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाई द सेंसेस। ठीक है, सेंसेस क्या हैं? Reacting to stimuli. Stimuli is something that evokes a response. That evokes a response. इसको आप change भी कह सकते हैं। एक certain किस्म का change होता है environment में जो कि आपके रिस्पॉन्स को इवोक करता है। ऑल्दो वी डू नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन द सेम सेंसेस एज अदर एनिमल्स, आवर सेंसेस आर स्टिल वाइटली इम्पॉर्टेंट टू अस। वी हैव टू रिएक्ट क्विकली टू चेंजेस इनसाइड और आउटसाइड आवर बॉडी। इफ़ योर हैंड टचेस समथिंग रेड हॉट, यू इमीडिएटली पुल अवे योर हैंड। इफ समवन थ्रोज अ बॉल एट यू, यू ईदर कैच इट और यू डक आउट ऑफ इट्स वे। व्हेन यू अटेम्प्ट टू क्रॉस अ बिजी रोड, यू लुक एंड लिसन टू मेक श्योर इट इज़ सेफ to cross to the other side. When food arrives in your stomach, it reacts by making digestive juices. कुछ certain responses हैं जो आपकी body में evoke होते हैं अगर वो stimuli present हो या stimuli आप body को feel हो। For example, जब आप कोई चीज़ गर्म को हाथ लगाते हैं तो आप फ़ौरन अपना hand retract करते हैं, वापस खींचते हैं अपना हाथ, उधर से हटा लेते हैं। कोई बॉल आपको नज़र आती है आते हुए तो आपका स्टिमुलाई चेंज हो रहा है, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, या फिर आपके ब्रेन को मैसेज जा रहा है तो वो आप फ़ौरन डक कर लेते हो, बचते हो, डॉच कर लेते हो। रोड क्रॉस करते वक्त भी आप इधर उधर देखते हो और फिर फूड जैसे आपके स्टमक में अराइव होता है तो डाइजेस्टिव जूसेज वैसे ही बनना शुरू जाते हैं। फूड का स्टमक में आना इज़ अ स्टिमुलाई और डाइजेस्टिव जूसेज का बनना इज़ द रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट ऑफ दैट स्टिमुलाई। The things you react to, whether it is the hot object, the moving ball, the sight and the sound of traffic or the food in your stomach are called stimuli. The things you react to, ये भी हो सकता है, the things that evoke a response, the things that you react to are called stimuli. Your body senses or detects these stimuli with the help of groups of cells. These are called sensory cells. Sensory cells वो cells होते हैं जो इस stimuli को या इस change को sense करते हैं। सेंसरी सेल्स सेंस करते हैं और मैसेज आपका ब्रेन तक जाता है। दे आर ऑफन ग्रुप्ड इन स्पेशल सेंस ऑर्गन्स, और वो ग्रुप होते हैं और उनको सेल्स होते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाएंगे और फिर बनाएंगे और फिर टिश्यूज़ जब ग्रुप होंगे तो ऑर्गन्स बनाएंगे, लेकिन इनको हम सेंसरी ऑर्गन्स या सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन जो है वो टच का रिस्पॉन्स, टच के स्टिमुलाई के लिए है, या प्रेशर के लिए है, या टेम्परेचर के लिए है, तो वो सेंस ऑर्गन है स्किन। अब हम पढ़ेंगे स्किन। स्किन का सबसे बड़ा जो हम सेंस हम पढ़ने लगे हैं वो टच का है, ठीक है, या सेंसिटिविटी जिसको कहते हैं, सेंसिटिविटी। अब आप बड़ी क्लास में सेंसिटिविटी का वर्ड इस्तेमाल होता है, अब टच का नहीं होता, ठीक है। स्किन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। आपको पता है बॉडी की आउटर कवरिंग है। ऑन एन एवरेज मैन दिस एरिया ऑफ स्किन इज़ नियरली 1.8 स्क्वायर मीटर्स। दिस इज़ योर MCQ। Layer of skin we see is made up of entirely of dead cells, एक बात इन आपके पूरी जो स्किन है वो डेड सेल से बनी हुई है, आपको पता है, और काफ़ी एक मिनट में कितने ज़्यादा डेड सेल शेड होते हैं, गिरते हैं। इन फैक्ट योर स्किन, हेयर, नेल्स एंड इवन द सर्फेस ऑफ योर आइज़ आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। आपकी स्किन, आपके बाल, आपके जो नेल्स हैं, एंड इवन द सर्फेस ऑफ योर आइज़, और आपकी आइज़ का सर्फेस भी डेड सेल से बना है। बट ऑल दो द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज़ डेड, दिस ह्यूज ऑर्गन डज मैनी जॉब्स। अब उसकी जॉब्स क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द मसल्स, इट प्रोटेक्ट्स द मसल्स
बोन्स लिगमेंट्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज से बचाती है. दिस इज़ इट्स फर्स्ट फंक्शन. इट हेल्प्स टू कीप आउट जर्म्स को हटाती है. ठीक है. दिस इज़ टू. इट ऑल्सो इंसुलेट्स. ये क्योंकि इम्यूनो रिस्पॉन्स है ये इसका. ठीक है. जर्म्स को बाहर रखती है. फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है ये बॉडी का, इम्यून सिस्टम का. इट ऑल्सो इंसुलेट्स द बॉडी. आपकी बॉडी को इंसुलेट करती है. अगर बाहर गर्मी है तो आपको एक ख़ास टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रखेगी. बाहर चाहे 0 डिग्री सेल्सियस हो या माइनस में हो, लेकिन आपकी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पे ही रहती है. तो आपकी बॉडी को इंसुलेट करती है. बाहर के टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देती, अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देती. कंट्रोल्स इट्स टेम्परेचर. वही बात हो गई, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है. एंड इन सनलाइट मेक्स. इंसुलेशन का मतलब ये भी है कि गूज़बम्स क्रिएट हो जाते हैं, या आपको आपकी जो ये जो आपकी स्किन पे छोटे छोटे बाल होते हैं ये खड़े हो जाते हैं जब आपको सर्दी लगती है, तो वो इंसुलेशन होती है. एंड इन सनलाइट मेक्स विटामिन डी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका काम है. सनलाइट की उसमें जैसी सनलाइट आपकी स्किन से टकराती है, इट मेक्स विटामिन डी. तो हमारे पास कितने हो गए, 3, 4 एंड 5. यू आर सपोज टू लर्न दीज फंक्शंस. ठीक है. आप कहेंगे वट आर द फंक्शंस ऑफ द स्किन, तो आपने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है. स्किन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन. इट इज़ सेंसिटिव टू टच एंड ऑल्सो टू प्रेशर, पेन, हीट एंड कोल्ड. टच को सेंस करती है, प्रेशर को सेंस करती है. कोई चीज़ दब रही हो आपकी स्किन में तो आपको फील होती है, पेन फील होता है, हीट फील होती है, टेम्परेचर यानी टेम्परेचर फील होता है, हीट और हीट एंड कोल्ड. As you will see from the diagram below, the skin is a complicated organ made up of many parts. Even so, most skin is only between 1 to 2 millimeter thick. इसकी thickness जो है, इसका diameter जो है, this is 1 to 2 millimeter. Milli is 10^-3. On the eyelids, it is very thin. Eyelid के ऊपर आपकी जो आँखों की covering है, जो आँखों का एक lid है या जो covering है, इट इज़ वेरी थिन. 0.4 की होती है. वैसे 1 या 2 millimeter की है, बाकी उसमें 0.5 है. वाइल ऑन द सोल्स ऑफ द फीट, आपकी फीट के सोल्स पे, आपकी हील पे या आपकी तलवे जो हैं पाँव के, उधर वेर इट गेट्स अ लॉट ऑफ वेयर, इट इज़ अबाउट 6 millimeter थिक. यहाँ पे ये मोटी इसलिए होती है क्योंकि ये बार बार आपके ज़ाहिरस ग्राउंड से इन कॉन्टैक्ट होते हैं, तो वो तो फिर अगर नाजुक होगी तो बेड़ा घर को जाना है उस स्किन का, उधर का. तो इसलिए यहाँ पे 6 millimeter होती है. स्किन ऑन द पाम्स ऑफ द हैंड्स एंड द सोल्स ऑफ द फीट इज़ रिजिड. दीज रिजेज हेल्प द स्किन टू ग्रिप. रिज्ड का मतलब ये है कि आप अपने अंगूठे पे अगर करीब से देखें तो आपको कुछ लाइंस नज़र आती हैं. यहाँ पे सही तरह नज़र नहीं आएगा, आप अपना देख सकते हैं. तो रिज्ड होती है या रिजिड होती है वो. अच्छा, ये वर्ड रिज्ड है क्योंकि रिजिड हमारा दूसरा वर्ड होता है जिसको कहते हैं सख्त होना. दिस इज़ रिज्ड. लाइंस होती हैं आपकी, आपको पकड़ने में, ग्रिप करने में हेल्प करती हैं. ठीक है. लेयर ऑफ द स्किन. अब हम ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है क्योंकि आपकी कॉपी में लॉन्ग बुक में लॉन्ग क्वेश्चंस है नहीं, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने खुद बनाया है, और आपने इसको कॉपी में लिखना है, और इसके साथ ये डायग्राम भी बनानी है, और हेडिंग्स के साथ इसको याद करना है, और जितना ये बड़ा है इसको सबको याद करना है. राइट अ नोट ऑन लेयर्स ऑफ स्किन एंड द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स इन द स्किन. आपने लेयर्स ऑफ स्किन के बारे में नोट लिखना है, और फिर उसके बाद रिसेप्टर्स डिस्कस करने हैं डिफरेंट. स्किन इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर. जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, दिस इज एपिडर्मिस. जो सबसे ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस. ठीक है. इट इज़ मेड अप ऑफ डेड फ्लैटन सेल्स हेल्ड टुगेदर टू मेक अ टफ वाटर प्रूफ कवर. डेड और फ्लैटन सेल से बनी हुई है और वाटर प्रूफ कवर है, यानी पानी नहीं जा सकता अंदर. थ्रू आउट लाइफ दीज डेड सेल्स आर रब्ड ऑफ एंड न्यू सेल्स टेक देयर प्लेस फ्रॉम लिविंग लेयर्स ऑफ बिनेथ. माइटोसिस होती रहती है, मतलब आपके नए सेल्स रीजनरेट हो, नए सेल्स उस जगह पर रीजनरेट होते रहते हैं. तो उससे ये होता है कि आपके जो पुराने होते हैं वो शेड हो जाते हैं, वो हट जाते हैं. अबाउट 20 kilogram of dead skin is shed by an average adult in a lifetime. आपनी ज़िंदगी में आप 20 kg की स्किन शेड करते हो, गिराते हो, झड़ते हो.
मच ऑफ दिस डेड स्किन फिनिशेस अप एज डस्ट इन आवर होम्स. और काफ़ी ज़्यादा ऐसी डेड स्किन, ये बड़े मज़े का फैक्ट है कि आपके घर में जो डस्ट है उसमें यूजुअली आपकी डेड स्किन भी होती है. लोअर लेयर्स ऑफ द स्किन आर कॉल्ड डर्मिस. ऊपर की थी एपिडर्मिस, नीचे वाली है डर्मिस. ठीक है, डर्मिस में अब क्या क्या है. द डर्मिस कंटेन स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स. स्वेट पसीने वाले ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स आपको पता है एक ऐसा आप कह लें कि स्पेशल किस्म के सिक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जो कोई चीज़ कोई लिक्विड निकालते हैं या कोई फ्लूड बनाते हैं. स्वेट आपका पसीना है, पसीने के ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स यानी जो ऑयल आपकी स्किन पे प्रोड्यूस करते हैं. ब्लड वेसल्स हैं एंड फैट. आपकी जो डर्मिस है वो स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स और फैट से मिलके बनी है. इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी नर्व एंडिंग्स. नर्व एंडिंग्स का मतलब वो वाली जगहें एग्जॉन्स, या फिर नर्व एंडिंग्स का मतलब होता है एग्जॉन्स. ठीक है, जहाँ से आपका मैसेज ब्रेन तक कैरी होता है. विच आर वेयर द सेंसेस ऑफ टच, प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर आर लोकेटेड. यहाँ पे आपके जो सेंसेस हैं, सेंसर्स जो हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं कि टच है हुई है या प्रेशर पड़ा है स्किन पे, या पेन कहीं से महसूस हो रहा है, या टेम्परेचर यहीं पे पता चल रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस है, वो लोकेट करते हैं. वो सेंसेस जो हैं वो नर्व एंडिंग्स में होते हैं. These or other nerve endings are called receptors, और इनको कहते हैं receptors, because they receive the stimuli from the outside environment. क्योंकि वो जो change होता है वो stimuli को receive करते हैं और brain तक पहुँचाते हैं. So this is why they are called receptors, क्योंकि वो receive करते हैं. These are receivers, receptors. अब हमने receptors की types तीन हैं, टच एंड प्रेशर. टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आपने यहाँ तक क्वेश्चन लिखना है. ये पूरा यहाँ से टाइप्स ऑफ लेयर्स ऑफ स्किन से लेके यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है. इन ह्यूमन देर आर मोस्ट टच प्रेशर रिसेप्टर्स इन द स्किन ऑफ द टंग एंड फिंगर टिप्स. दीज रिसेप्टर डिटेक्ट वेदर ऑब्जेक्ट्स आर रफ, स्मूद, हार्ड और सॉफ्ट. टच रिसेप्टर्स आर ऑल्सो अटैच टू हेयर. इफ एन ऑब्जेक्ट ब्रशेज अगेंस्ट एनी ऑफ द हेयर्स ऑन द स्किन, द रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड. आपकी बॉडी पे डिफरेंट जगहों, आपकी बॉडी पे यूजुअली सारी जगहों पे, मतलब स्किन पे मोस्टली प्रेशर और टच के रिसेप्टर्स हैं, जो कि आपको कोई चीज़ टच करती है तो आपको फ़ील हो जाता है. आपकी बॉडी पे कोई कीड़ा चल रहा है, कोई इंसेक्ट मूव कर रहा है तो आपको फ़ील हो जाता है. प्रेशर आपको फ़ील होता है कि कोई दब रही है, या कोई जगह दब रही है, या कोई चीज़ चुभ रही है, तो वो प्रेशर रिसेप्टर जो हैं वहाँ से वो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं. ठीक है, और यूजुअली ये टंग में होते हैं, फिंगर टिप्स में होते हैं. दीज रिसेप्टर्स डिटेक्ट वेदर ऑब्जेक्ट्स आर रफ. अब ये बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हैं जिसको आप टच कर रहे हो वो रफ़ है, स्मूद है, हार्ड है या सॉफ्ट है. ठीक है, ये यूजुअली हेयर पे भी होते हैं, आपकी बॉडी के जो हेयर हैं उस पे भी होते हैं. क्योंकि जो कोई चीज़ आपके बालों के साथ टच होती है तो आपको फ़ील हो जाता है कि, क्योंकि रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं स्टिमुलाई, तो आपको फ़ील हो जाता है कि कोई चीज़ आपके बालों पे भी है. पेन रिसेप्टर्स आर मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्किन. आपकी पूरी बॉडी में, पूरी स्किन में पेन रिसेप्टर्स हैं. दे आर फाउंड इन मोस्ट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. पेन इज़ यूज़फुल. और ये ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में भी होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो पेन, क्योंकि ऑर्गन्स में भी नर्व एंडिंग्स हैं तो फिर पेन फील होता है. पेन इज़ यूज़फुल बिकॉज इट एक्ट्स एज अ वार्निंग सिग्नल होता है. वरना अगर ये ना हो तो आपकी बॉडी को डैमेज होता रहे और आपको पता भी ना हो, और तब जाके शायद आपको पता चले या पता भी ना चले जब हालत बिगड़ चुकी हो. तो ये वार्निंग सिग्नल है, और ये अल्लाह ताला की नेमत है बहुत बड़ी कि आपको पेन फील होता है. आपको सर में दर्द फील होता है, आपको सर में दर्द होता है अगर हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन या एग्रेशन वगैरह की वजह से. तो अगर ना हो सर में दर्द तो आपको फील ही ना हो, पता ही ना चले कि आपकी बॉडी के साथ क्या इशू है. इट टेल्स द ब्रेन दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद अ पार्ट ऑफ द बॉडी. ये बताता है कि आपकी बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा है जिसमें ख़राबी है. अगर ना हो तो आपको पता भी ना चले और आपकी वो जो हिस्सा है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका हो. देर आर सेपरेट हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर. टेम्परेचर अब हम पढ़ रहे हैं. हीट के और कोल्ड के रिसेप्टर्स आपकी स्किन में मौजूद हैं. दे आर यूज टू डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर. योर फिंगर टिप्स कैन डिटेक्ट टेम्परेचर डिफरेंसेस एज स्मॉल एज 0.5 डिग्री सेल्सियस भी. अगर इतना 0.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस अगर आपकी बॉडी कोई कहीं किसी ऑब्जेक्ट में क्रिएट होता है और आप उसको टच करते हो तो आपकी स्किन, आपकी फिंगर टिप्स
ये भी डिटेक्ट कर लेती हैं कि वो चीज़ 0.5% ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडी है एज़ कम्पेयर टू योर ओन फिंगरप्रिंट्स, एज़ कम्पेयर टू योर ओन फिंगर टिप्स. ये आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन था. यू हैव टू प्रिपेयर दिस लॉन्ग क्वेश्चन फॉर योर टेस्ट एज़ वेल एंड फॉर योर होमवर्क. तो आप लोगों ने एक तो ये क्वेश्चन लिखना है क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के शॉर्ट हैं. वो जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आई विल सेंड यू द कॉपी. लेकिन अभी आप लोगों ने ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया, वे राइट अ नोट ऑन लेयर्स ऑफ स्किन एंड द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर. ये आपने क्वेश्चन लिखना है, लेयर्स ऑफ स्किन की हेडिंग डालनी है, एपिडर्मिस की हेडिंग डाल के आपने सारा लिख देना है. ये पूरा पैराग्राफ डर्मिस की हेडिंग डाल के आपने लिख देना है फार्ट तक, ठीक है. इट ऑल्सो कंटेन्स जो है वो रिसेप्टर की हेडिंग के बाद लिखना है. फिर आपने रिसेप्टर की हेडिंग डालनी है, फिर इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी नर्व एंडिंग्स और आपने बताने रिसेप्टर्स. फिर उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स. फिर टच एंड प्रेशर जो है वो सब हेडिंग आ जाएगी. और फिर आपने तीन सब हेडिंग्स डाल के अपना लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म करना है. यू हैव टू प्रिपेयर दिस टेस्ट फॉर टुडे. और उसके बाद आप लोग ये याद करेंगे. यू विल ऑल्सो लर्न दिस डायग्राम, लेबल डायग्राम, लेबलिंग भी आप लोगों ने याद करनी है. एंड सेंड मी द पिक्चर्स इन द ग्रुप आफ्टर यू हैव डन इट. थैंक यू.